दोस्तों, मैं सलेंद्र अभूज गुजरात से इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? अब भाई, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, मैं गूगल मैप या गूगल अर्थ खोल के बैठा हूं, क्या है एक्चुअली? तो भाई, मैं आप सभी से सवाल पूछना चाहता हूं, आप यस या नो में कमेंट करना, वोट देना अपना जरूर, ठीक है? क्या आप चाहते हो कि सैटरडे और संडे मैं मस्त ब्लॉग बनाऊँ और आपको मेरा जो पूरा कच्छ है वो दिखाऊँ, ठीक है? सबसे पहले हम शुरू करेंगे भुज से कि भाई, भुज के अंदर क्या क्या देखने जैसा है। तो भाई, भुज के अंदर बहुत देखने जैसा है, तो हमारा पूरा महीना तो भुज देखने में ही चला जाएगा। मतलब मैं डिटेल में थोड़ा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? और सैटरडे और संडे में दो वीडियो अपलोड करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको भुज घुमाऊंगा। उसके बाद भाई, मांडवी के अंदर जो बीच है, विंड फार्म बीच है वो, उसके बाद अगर हम आए यहाँ पे पिंगलेश्वर का जो दरिया किनारा है वो दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद हम यहाँ पे कच्छ का सबसे बड़ा किला जो 6-7 किलोमीटर में फैला हुआ ये लखपत फोर्ट हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाजीपीर है, माता का मठ है, और वाइट रण है, ब्लैक हिल है, 5000 साल पुरानी जो सभ्यता है धोरावीरा वो हम देखेंगे। कच्छ का जो कल्चर है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ का लोकल फूड क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, कौन कौन से फेस्टिवल में क्या क्या होता है, तो ये सब मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सैटरडे और संडे वो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो शुरू हम करेंगे भुज से। पूरा ये कच्छ का सेंटर है, इससे आप मतलब पूरा कच्छ अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो कच्छ का सेंटर है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो भाई, भुज के अंदर क्या क्या देखने जैसा है पहले मैं वो आपको बताऊंगा कि अगर आप भुज आ रहे हो तो पहले भुज में क्या एक्सप्लोर करना है, ठीक है? यहाँ पे ये देख रहे हो, ये भुजिया हिल है, काफी मतलब बड़ी जगह है। ये मैप में आपको सब छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं ये पूरे एरिया की, यहाँ पे ये पूरे एरिया की, तो ये 6-7 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में फैला हुआ होगा। तो यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा म्यूजियम मतलब बन रहा है, जो भूकंप में, जो यहाँ पे आप जानते हो बड़ा भूकंप आया था, तो उसमें जो मतलब जिनकी डेथ हुई थी उनके मतलब एक मेमोरेबल एक बना रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मृति वन, मेमोरेबल पार्क बन रहा है यहाँ पे। उसके अलावा ये आप देख रहे हो अभी, तो यहाँ पे क्या है कि ये पुराना फोटो है, तो ये पूरा अमृतसर लेक यहाँ पे खाली दिख रहा है, लेकिन अभी ये पूरा लेक भरा हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे कच्छ का म्यूजियम भी देखने जैसा है, तो बहुत कुछ है भाई देखने जैसा। और आप सभी जानते हो कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं फूडी हूँ, तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। कमेंट करो भाई, ज़्यादा वोट आएंगे कि हाँ वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा और ये सब आपको दिखाऊंगा। थैंक यू।